अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है मैजिक टूल के बारे में। मैजिक वाइन टूल को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, क्या सब कुछ होता है, ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ विद 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ। तो देखते रहिए ये क्लास आखिर तक। सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलते रहे। चलें चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रीज़ की कोई भी वो निकाल लेता हूँ क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया है ऑटोमेटिकली, तो इसको मैंने सेव कर लिया है। सेव करके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इस जगह पे ले आऊँगा। एग्जांपल में जाने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि मैजिक वाइन टूल किस लिए यूज़ होता है। मैजिक वाइन टूल एग्जैक्ट जो सिमिलर कलर होंगे उनको वो कैच करेगा और जो डिससिमिलर होंगे उनको जो है ना मीन्स के सिलेक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका कंट्रोल जे करके एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको हाइड कर लेता हूँ नीचे वाली को, और उसको पकड़ के अगर लॉक डबल क्लिक करके ओके करूँगा तो फिर मैं इसको लॉक करने की भी ऑप्शन मेरे पास आ जाएगी। मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। तो फर्स्ट अपने उस पर आऊँगा और फ़र्ज़ करें मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मैं जो है जितने भी क्लाउड्स हैं उनको सेट करूँ, तो आप शिफ्ट जस्ट प्रेस करेंगे, ये इसमें भी प्लस की पॉइंट आ रहा होगा, माइनस का भी आ रहा होगा सब कुछ। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह इसने क्लाउड्स को सिलेक्शन की। ओके, कंट्रोल जे मैं करता हूँ जी, और ये आप देख सकते हैं कि इसने क्लाउड्स की सिलेक्शन कितनी ज़बरदस्त कर दी। यही चीज़ आप एक एक करके करने लगेंगे मैजिक, बाकी टूल्स के थ्रू तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम। ओके, तो नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि इस टूल में ये भी है कि अगर आप जो है ना ये देखें दरख्त ग्रीनरी को मैंने सेलेक्ट किया तो ग्रीनरी जैसे उसने सेलेक्ट कर दी, और कंट्रोल जे मैं करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि जो है ना इसने ग्रीनरी ज़्यादातर निकाल दी। तो ये पिक्चर एडिटिंग के लिए ज़्यादातर हम लोग मर्ज करने के लिए, बैकग्राउंड्स को मर्ज करने के लिए हम लोग ये मैजिक फाइन टूल यूज़ करते हैं। तो ये टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से भी। एक और मैं पिक्चर ले लेता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू, इतना तक तो आपको समझ आ गई होगी। एक और पिक्चर मैं ले लेता हूँ। फर्ज करें कि मैंने एक पिक्चर ले ली, ये वाली पिक्चर, और ये मैंने सेव कर ली। इसको मैं डायरेक्टली ले आऊँगा अपने फ़ोटोशॉप पे। फ़ोटोशॉप पे जब ले आऊँगा तो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ ब्लैक वाले सब निकले, तो ब्लैक पे जस्ट सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक वाले ओवरऑल इसने सिलेक्शन कर लिया। कंट्रोल जे मैं करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने ब्लैक वाली चीज़ को अलग कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो सिमिलर कलर्स होते हैं उसको पकड़ के अलग कर देता है। जैसे कि ये सिमिलर कलर्स हैं, शिफ्ट प्रेस करूँगा ताकि प्लस हो जाए। ये सिमिलर कलर्स हैं, ये सिमिलर कलर्स हैं, ये सिमिलर कलर्स हैं, कंट्रोल जे मैं करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि सिमिलर कलर्स को इसने सिलेक्शन कर ली। तो इसके अलावा एक और चीज़ भी आपके सामने ऊपर आ रही होती है, आप लोग समझ सोच रहे होंगे यार ये क्या चीज़ है। ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस मतलब कि जिस तरह आम जबान में इंग्लिश में बोलते हैं टॉलरेंस होता है कि किसी भी चीज़ को जो है ना ज़्यादा ये कम करना, उसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करना। यही अब अगर हम इसकी इंटेंसिटी हम लोग 10 रख देते हैं, फिर जब मैं सिलेक्शन करूँगा ये देखें थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट हो रही, थोड़ी थोड़ी सिलेक्ट हो रही है चीज़, ज़्यादा नहीं हो रही। अगर आप जो ही इसकी टॉलरेंस ज़्यादा करेंगे तो जो है ना ऑटोमेटिकली इसकी टॉलरेंस जब ज़्यादा होगी ये देखें ज़्यादा चीज़ को एक साथ सेलेक्ट करने शुरू हो जाएगा। तो ये थी मैजिक वाइन टूल की क्लास, बहुत छोटी और बहुत सिंपल क्लास थी। मुझे उम्मीद है ये क्लास आप यूटिलाइज़ करेंगे और बैकग्राउंड्स बनाने के लिए, बैकग्राउंड्स को मर्ज अप करने के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो यही कहना चाहूँगा कि अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करें इस पेज पे, और ताकि उनको भी सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। जो चाहते हैं फ़ोटो एडिटिंग सीखनी है, जो चाहते हैं डिज़ाइनिंग सीखनी है, जो चाहते हैं वीडियो एडिटिंग सीखनी है, सब कुछ आपको एक पैक मिलेगा इस चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाब में इसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।